पहले तो इनके अबू हम ही है, ठीक है, ये हमसे निकले, इनके अब्बा हम हैं, और ये वो शैतान बच्चा है जिसको चाचा और बाबा को मिलकर ठीक करना पड़ेगा। आप एक बात बताइए, कुछ बातचीत हुई है अफगान तालिबान से? आई रियली वॉन्ट टू नो, अफगान तालिबान ने कुछ बोला है कि हम आएंगे और जिहाद फी सबीलिल्लाह और घोड़ों पे बैठ के जैसे सेंट्रल एशिया से आते थे ना पहले, गजनवी गौरी, है ना, कुछ है मैडम ऐसा प्रोग्राम? कुछ हमें भी बताइए, वी आर ऑल एक्साइटेड। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, दोस्तों आज की डिबेट काफी शानदार और मजेदार होने वाली है, इसलिए अंत तक डिबेट को जरूर देखें, क्योंकि डिबेट में चचा आएंगे और लॉलीपॉप दिलाएंगे। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो दोस्तों ये आपको डिबेट देखने के बाद अच्छे से मालूम चल जाएगा। दोस्तों ये डिबेट हाल ही में पाकिस्तानी मीडिया में दिए गए बयान कि तालिबान आएगा और कश्मीर को आजाद कराएगा पर है, और डिबेट में मेजर गौरव आर्या, रमनिक मान और वैभव सिंह ने पाकिस्तानियों की जमकर क्लास ली। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मेन वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम। ये उम्मीदें अपनी फौज से क्यों नहीं रखते, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं। ये कभी तुर्की से उम्मीद रखते हैं, कभी चीन से उम्मीद रखते हैं, कभी मलेशिया से उम्मीद रखते हैं, कभी ये किसी और से उम्मीद रख, मतलब जनरल बाजवा के अलावा इनको सबसे उम्मीदें हैं, पाकिस्तानी फौज के अलावा इनको दुनिया भर से उम्मीदें। और आप देखेंगे, अब वो क्लिप मैं लाने की कोशिश करता हूं अभी, किस जिसको कहते हैं ना कि किस जज्बे के साथ वो लेडी बोल रही है कि अफगान तालिबान हमें कश्मीर दिलाएंगे, मेरे चाचू आएंगे मेले से मुझे लॉलीपॉप लेके देंगे, ये जज्बा है कि चाचा अब्बू तो हमारे खिला नहीं सकते लॉलीपॉप, तो चाचा आएंगे चाचा खिलाएंगे लॉलीपॉप, ये कौन सा, ये कैसा जज्बा है सर? तो मेरे साहब बात यह है कि पहले जैसे मैंने कहा, पहले तो इनके अब्बू हम ही हैं, ठीक है, ये हमसे निकले, इनके अब्बा हम हैं, और ये वो शैतान बच्चा है जिसको चाचा और बाबा को मिलकर ठीक करना पड़ेगा। मेरे साहब बड़ी दिलचस्प कहानी है ये, क्या है कि दुनिया की जो तमाम फोर्सेज हैं, जो आर्मीज हैं, उनके अंदर स्पेशल फोर्सेज होती हैं SF, और जो पाकिस्तान की पूरी फौज है वो SF है, यानी कि सरेंडर फोर्स है। ये सरेंडर कर चुके हैं भारतीय सेना के सामने एक बार 71 में, और मुसलसल 99 से लेके आज तक उनको पता है कि भारत का कुछ नहीं उखाड़ सकते वो। तो अब उनकी फौज जो है वो तालिब को समझ रहे हैं, तालिबान को समझ रहे हैं, मुजाहिदीन को समझ रहे हैं, जैसे पहले अपनी जंगे आउटसोर्स करते थे, अब ये फिर कोशिश कर रहे हैं कि अपनी एक और जंग आउटसोर्स करें, और उसी का एक नजारा है जो आपने पाकिस्तान टीवी चैनल के ऊपर जो डिस्कशन को सुना है। ये सरेंडर फोर्स है पाकिस्तान की आम को, पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान के इंटेलिजेंसिया को, और किसी को भी तवक्को नहीं है पाकिस्तान आर्मी से। वो डायपर बना सकते हैं, बिस्किट नमकीन बेकरी बना सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, पर जंग लड़ना उनके बस की बात नहीं है। राजा फैजल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रवक्ता ने तो एक प्रोग्राम में बताई दिया है कि अफगान तालिबान इनको कश्मीर दिलाएगा। सर कोई बातचीत हुई है, कोई डेट तय हुई है, मुकर्रर हुई है कोई डेट तारीख जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ ऐसा प्रोग्राम बना है सर? सहराओं पे दौड़ा दिए घोड़े हमने, अल्लामा इकबाल को कोट कर रहा हूँ सर मैं, कुछ बात बनी है सर? देखिए गौरव, आपकी बड़ी अच्छी स्टडी है पाकिस्तान के बारे में भी और इस्लाम के बारे में भी आप स्टडी करते हैं। मेरे ख्याल में आपको इस चीज के बारे में पता होगा कि इस्लाम में ये है कि जब आपका भाई मुसीबत में हो तो आप पे जिहाद फर्ज हो जाता है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त कश्मीरी जो कि मुसीबत में है, मुश्किल में है, तो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के मुसलमानों को बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस चीज की चिंता होनी चाहिए, इस चीज की फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि ये उनके ईमान का हिस्सा है। ये मसला आपने खुद भी कहीं पढ़ा होगा, और मेरे ख्याल में इस सिलसिले में अगर किसी प्रवक्ता ने, PTI के प्रवक्ता ने अगर कुछ कहा है तो शायद वो इसी तनाजुर में कहा होगा, लेकिन मैं उनको यहाँ पे बैठ के डिफेंड नहीं करूंगा। ऐसा अभी कुछ देखने को नहीं मिला कि शायद एज अ फोर्स या एज अ वो ऑफिशियल स्टेटमेंट के तौर पे किसी ने कॉन्टेक्ट किया हो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि हम साथ चलते हैं और जाके मारते हैं। वैभव सिंह के पास जाना चाहूंगा अभी। वैभव सिंह, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो यू नो आपने देखा था, PTI के प्रवक्ता ने बोला था कि अफगान तालिबान आएगा और इनको दिलवाएगा, कश्मीर दिलवाएगा, चाचू आएंगे तो लॉलीपॉप दिलवाएंगे, है ना, क्योंकि अब्बू तो इनके दिलवा नहीं पाए लॉलीपॉप,
एक्सटेंशन भी ले लिया था 3 साल का, लेकिन वो दिलवा नहीं पाए। चाचू आएंगे तो चाचू लॉलीपॉप दिलवाएंगे, फिर चाचू मेले में ले जाएंगे कंधे पर बैठा के, गुब्बारा आइसक्रीम देंगे बच्चे को, लल्ला खाएगा आइसक्रीम। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब वैभव आप एक बात बताइए, इन्होंने बोल दिया कि साहब सारे मुसलमानों पर फ़र्ज़ है जिहाद लड़ने का, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, कोई गलत बात नहीं है, आपका दीनी फरीदा भी है, कोई शक नहीं, अच्छी बात है, ठीक है, इट्स मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं वैभव कि जिसका मोटो है जिहाद फी सबीलिल्लाह, वो लोग क्यों नहीं लड़ रहे? रमणीक मान जी ने कुछ तो बताया हमको, कुछ लाइट इस पे रोशनी डाली। मैं चाहता हूं जरा तफसील से इस पे बात करें, जरा विस्तार पे इस पे विस्तार पूर्वक जरा इस पे बातचीत करें कि जिनका काम है, जिन्होंने लिखा है मोटो ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, वो क्यों नहीं कर रहे जिहाद? या अफगान तालिबान आएंगे बाहर से, दूसरे आएंगे, फिर तीसरे आएंगे, फिर चाचू लॉलीपॉप खिलाएंगे, क्या चक्कर है? वैभव जरा रोशनी डालें लॉलीपॉप पे। देखिए, अगर भाई मुसीबत में हो तो जिहाद तो फर्ज हो जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि भाई जो है वो पैसे वाला होना चाहिए या रिसोर्सफुल होना चाहिए। गरीब भाइयों के लिए जिहाद फर्ज नहीं है। जैसा जो यूगर मुस्लिम्स हैं चाइना में, उनके लिए जिहाद फर्ज नहीं है। अगर आप तुर्क हैं, अगर आप अजरबैजान में रहते हैं, अगर आप कश्मीर में रहते हैं जहां से पानी आता है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस को, तो जिहाद फर्ज है। लेकिन अगर आप नाटे हैं, आप चाइनीज एशियन दिखते हैं और आपका कोई रेलेवेंस यहाँ साउथ एशिया में नहीं है, तो और आपके जो ऑपरेसर्स हैं, आपके ऊपर जो जाति करने वाले लोग हैं, जो चाइनीज गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी है, अगर वो हमको पैसे दे देती है तो फिर वो फर्ज नहीं है। तो लेट अस बी वेरी क्लियर ऑन दैट कि राजा फैसल साहब ने सही बात कही, लेकिन एक चीज बताना भूल गए थे। दूसरी बात, आपने कहा कि ये जिहाद क्यों नहीं करते, जिहाद क्यों करेंगे? ये जिहाद अभी नहीं करेंगे, ये जिहाद अभी कुछ 6 महीने 1 साल बाद करेंगे, और ये जिहाद अपने ही लोगों के खिलाफ करेंगे। टीटीपी और अफगान तालिबान में उतना ही फर्क है जितना फर्क वाटर और पानी में होता है। आप उसको चाहे अलग नाम से बुला लीजिए, चीज एक ही है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात जनरल बाजवा भी कह चुके हैं कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो उनको लेवरेज दिया जा रहा है कि फिर कोई इस तरह की एक टेररिज्म की वेव चले जिसमें कुछ पश्तून मरे, कुछ बलोच मरे, कुछ महाजिर कराची में मरे, और अगर जब ये मरेंगे तब फिर आर्मी ऑपरेशन होगा जरबे अज़ब और राह रास्त तरह का, और उसमें जो पैसे आएंगे, बिकॉज जब आर्मी ऑपरेशन उसमें होते हैं उसमें बड़ा पैसा खर्च होता है, फिर उसमें कर्नल ब्रिगेडियर इनके प्रमोशंस होंगे, इनको जो है मेडल्स मिलेंगे, सितारा बसाला थिलाले इम्तियाज आखिर, और इनको इंडिया से तो जंग करके ये मेडल्स मिलने नहीं है, यहाँ पे तो सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं। इनका ये मोडस ऑपरेंडी है कि ये टीटीपी जब मुस्तहकम होगी, मजबूत होगी और जब पाकिस्तानियों को मारेगी, स्पेशली पख्तूनों को और महाजिरों को, तब हम इसके खिलाफ आर्मी ऑपरेशंस करेंगे और फिर मेडल्स भी लेंगे, पैसे भी बनाएंगे। जी जी जी, मारिया इकबाल तराना, मैं आपके पास आता हूं। मारिया जी, आपसे मैं सवाल पूछूंगा। ये बोला कि जिहाद फर्ज है, जिहाद है फर्ज लेकिन उस पर नहीं जो देता है कर्ज। ये मैंने अभी अभी एक नया शेर, जिहाद है फर्ज लेकिन उस पर नहीं जो देता है कर्ज। तो अब आप एक बात बताइए, कर्ज तो देता है चाइना आपको, तो चीन के खिलाफ वो जिहाद है, नहीं है फर्ज, लेकिन जहां से पैसे आते हैं तो उधर आप फिर अपनी तवज्जो दे देते हैं। आप एक बात बताइए, कुछ बातचीत हुई है अफगान तालिबान से? आई रियली वॉन्ट टू नो, अफगान तालिबान ने कुछ बोला है कि हम आएंगे और जिहाद फी सबीलिल्लाह, घोड़ों पे बैठ के जैसे सेंट्रल एशिया से आते थे ना पहले, गजनवी गौरी, है ना, कुछ है मैडम ऐसा प्रोग्राम? कुछ हमें भी बताइए, वी आर ऑल एक्साइटेड।